हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज टेक चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट लोन, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार जो है कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लोन दे रही है। उसके विषय में हम बात करेंगे कि आपको कितने ज़मीन पर कितना लोन प्राप्त होगा, रबी की फसल पर कितना प्राप्त होगा और खरीफ की फसल पर कितना प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक रखे जारी, जिससे मिले हमारे वीडियो की आपको पूरी जानकारी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर अब तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान केसीसी लिमिट, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक एकड़ ज़मीन पर खरीफ फसल के लिए कितना आपको लिमिट लोन मिलेगा। तो इसमें है दोस्तों, आप देख सकते हैं धान के ऊपर केसीसी लिमिट का 50,617 रुपया है, मक्का के ऊपर पीएम किसान 23,170, ज्वार की खेती पर 23,054 रुपये, बाजरा की खेती पर 27,346, सोयाबीन की खेती पर 23,100, मूंगफली के लिए 34,068 रुपये, अरहर की खेती पर 40,351 रुपये, उर्द की खेती पर 20,823, मूंग की खेती पर 20,196 तक का लिमिट आपको मिलेगा। दोस्तों आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। अभी तक आपने एक एकड़ ज़मीन खरीफ की फसल की लिमिट देखी। अगर आपकी ज़मीन एक एकड़ से ज़्यादा है तो बैंक द्वारा आपको ज़्यादा लोन दिया जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल पर कितना लोन आपको प्राप्त होगा। गेहूं की खेती पर आपको 46,580 रुपये तक किसान क्रेडिट का लोन दिया जाएगा। जौ की खेती पर 37,666 रुपये, चना की खेती पर आपको 29,532 रुपये, मटर, अगर आप मटर की खेती करते हैं तो आपको 28,974 रुपये, राई और सरसों में आपको लिमिट है 35,151 रुपये, मसूर की खेती पर 31,635 रुपये, अलसी की खेती पर 21,616 रुपये, सूरजमुखी की खेती पर 37,910 रुपये। अगर किसान बरसीम की खेती करते हैं तो इसके लिए केसीसी लिमिट 30,000 रुपये है। दोस्तों नेक्स्ट है औषधि नक्शी फसल खेती पर केसीसी लोन। इसमें दोस्तों है आलू की खेती यदि आप करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का लिमिट होगा। गन्ना की खेती करते हैं तो 77,350 रुपये, धान की खेती पर आपको 50,500, पुदीना की खेती के लिए 25,000, सफ़ेद मूसली की खेती के लिए आपको 2,64,000, इसके आगे सतावर है 96,000, मेथ की खेती के लिए आपको मिलेगा 34,800, काला मेथ की खेती के लिए आपको 35,000, अश्व सर्पगंधा की खेती करते हैं तो 65,650 रुपये का लिमिट है। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों एक बार से फिर हम बताना चाहेंगे आपको कि जो लिमिट एक एकड़ ज़मीन और उपयुक्त बताए गए फसल के, अगर आपकी ज़मीन 2 एकड़ होती है तो मिलने वाले लिमिट आपको दोगुना हो जाएगी, जिससे आपका अगर धान की खेती करते हैं और आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो आपको 50,617 का दोगुना हो जाएगा, 1,01,234 रुपया। तो दोस्तों ये रहा लिमिट आपका। आगे की प्रक्रिया है, क्या सभी किसान पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पहला चरण शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के
जी हाँ, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसान जिनकी संख्या करीब 9.5 करोड़ है, जो को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अंतर्गत लाभार्थी माना गया है। दोस्तों 9.5 करोड़ लोग किसान क्रेडिट पीएम किसान योजना के पात्र हैं, जो उनको किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी माना जाएगा हो गया है। इन 9.5 करोड़ किसान में से 6.6 करोड़ किसान का पहले क्रेडिट कार्ड बन गया है, तो बचे हुए लगभग 3 करोड़ किसान की ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए फिलहाल लाभार्थी हैं। दोस्तों इसमें आपको सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ मिलेगा, लेकिन उसको उनको पीएम किसान योजना के लाभार्थी होना चाहिए, जो पीएम किसान योजना का 2000 यानी कि 3 किस्त में आता है, एक वर्ष में 2-2 हज़ार यानी 6 हज़ार आता है, उनका लाभार्थी होना चाहिए, तभी तो उनको पीएम किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। दोस्तों जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है पहले से ही, तो उसमें है कि आपको मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उनको भी मिलेगा, लेकिन अगर लिमिट बढ़वाना है तो उनको भी लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ दस्तावेज बैंक में जमा करना होगा, जो उनके लिमिट के अनुसार बैंक से मांग होगा। दोस्तों यदि आप पीएम किसान योजना में आवेदन नहीं किए हैं, तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जा करके ऑनलाइन करवा सकते हैं, या अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करके उनसे भी आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों यदि आपके पास ज़मीन कम है तो भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि पीएम किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपया है। अगर आपकी लिमिट बढ़ानी है तभी बैंक आपको डॉक्यूमेंट मांग सकता है या आपको मना कर सकता है, लेकिन 1.5 लाख तक तो फिक्स है दोस्तों, कि आपको अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो 1.5 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड से लोन मिलेगा ही। इसमें दोस्तों कई है, यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं, अगर या डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो भी आपको उसका लोन प्राप्त होगा। इसकी प्रक्रिया दोस्तों आवेदन के 14 दिन के भीतर आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनकर मिलता है, इसका नियम है। अगर आप बैंक जाकर आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन फार्म को बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और 14 दिनों के भीतर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाएगा। दोस्तों इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या निर्भर करता है कि आप बैंक में जाकर ऑफलाइन किसी के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। अगर आप नज़दीकी किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके करते हैं, तो वहाँ पर आवेदन के लिए आपको 30 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप उसके पात्र नहीं हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग यदि इसके पात्र नहीं हैं, तो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द अपने कॉमन सर्विस सेंटर या क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करके पीएम किसान योजना का ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करके इसका भी अप्लाई फॉर्म कर सकते। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर अभी सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त तो होती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।